हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम के अंदर, जो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उनसे कैसे बचना है और क्यों चल रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है, और आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, बेशक वो यूट्यूब से पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं हमसे भी कनेक्टेड रहते हैं। तो आई एम गेटिंग मैनी मैसेजेस दीज डेज, और दो चार मैसेजेस मैं आपको पहले पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के माइंड में इस टाइम पे क्या क्या चल रहा होता है। ठीक है, तो मैं किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बताना चाहता हूँ, उसका ध्यान रखिए, बहुत काम आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको जरूरत डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलने वाला है। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि सर मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे रात को नींद भी नहीं आती है और आई एम ब्लैंक। ये कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ स्टूडेंट है। दूसरा स्टूडेंट जो है वो कह रहा है कि सर मैंने 7 मॉक टेस्ट दे दिए हैं। ये पॉजिटिव बात कर रहा है, सर मैंने मॉक टेस्ट दे दिए हैं, मेरा स्कोर 92 आ रहा है पहली रफ्तार सीरीज के मॉक टेस्ट में, 107 आ रहा है, 145 आ रहा है, 103 आ रहा है, इस तरह से उसने एग्ज़ाम बता रखे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से बहुत इंप्रूवमेंट है और मैं इसको फोड़ दूंगा एग्ज़ाम को, मतलब पॉजिटिव टॉक, यू नो। फिर ऐसे कुछ और स्टूडेंट भी हैं जो कह रहे हैं कि सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ, घर वालों का बहुत प्रेशर है, रात को नींद भी नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम अगेन सेम मैसेजेस। फिर चौथा स्टूडेंट है वो जो कह रहा है कि सर जैसे कि आप कहते हो फोड़ देने का है, आग लगा देने का है, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है इस बार तो मैं फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। तो मेरा बस ये कहने का मतलब, और बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो ये मैसेज पढ़ के मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार इस टाइम पे अगर आप ऐसी बात कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप अनाउंस कर रहे हो कि आपका पेपर ठीक होने ही नहीं वाला, मतलब यू आर अनाउंसिंग बिफोर योर एग्जाम इज गोइंग टू बी बैड। ऐसा अगर आप बार बार बोल रहे हो, मुझको लिख रहे हो, अपने दोस्तों को लिख रहे हो और वेट कर रहे हो हमारे मैसेजेस का कि हम रिप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हो कि फेलियर तय है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि एग्ज़ाम का ख़राब होने का मतलब ही यही है कि पहले ही से ही आपके नेगेटिव माइंडसेट है पेपर देने से पहले। क्या खोने का डर है मुझे बताओ, क्या लेके आए थे जो तुम खोने का डर लेके बैठे हो, किस चीज का प्रेशर है, क्या रास्ते रुक जाएंगे अगर ये एग्जाम खराब हो गया तो, एज्यूम करते हैं, क्या आर्म्ड फोर्सेस में जाने का बस एक यही रास्ता है कि जो तुम्हें लगता है कि आपके रास्ते बंद हो जाएंगे, आपकी सक्सेस खत्म, किस चीज का प्रेशर है मेरे दोस्त, क्या खोने का प्रेशर है, इस चीज का प्रेशर है कि घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले बहुत सुनाएंगे, वो तो उनका काम ही सुनाना है, आप उनके बच्चे हो, वो आपकी केयर करते हैं, उनको बोलने दीजिए, लेकिन एंड टाइम पे ये सब बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है ना यार। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेपर का खराब होना, वट एवर यू आर डूइंग दिस डेज। एग्जाम की बात करूं ना, ये अगर एग्जाम है, इतना सा फील कर दोगे तब भी क्लियर हो जाना है, आपको पता है कट ऑफ क्या जा रही है, और जितना तुमने पढ़ा है ना उतना मोर देन सफिशिएंट होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब आप हमें मैसेज करते हो और फिर मैसेज का रिप्लाई करते हो, जैसे आपने मुझे मैसेज किया, ऐसे और भी सरों को किया होगा, अपने दोस्तों को किया होगा, देन यू आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई, और मैंने मान लो मैसेज नहीं पढ़ा 4 घंटे तक, आपने तो 4 घंटे अपने खराब कर दिए, और अपने दोस्तों को करोगे तो वो नेगेटिव बातें करेंगे तुम्हारे साथ। तो इतनी मेहनत करिए इस चीज के लिए, करिए नहीं इस चीज के लिए करिए मेहनत, इतना सा जार भरना है तुम्हें, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाना है, और शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा, जितना तुम्हें सीखा है कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएंगी, बेशक किसी मीडियम से कहीं भी सीखा है, ग्राफ तो ऊपर ही जाना है, नीचे तो नहीं आएगा, गॉड फॉरबिड अगर फेल भी हो जाते हो, मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन यह भी सच है कि चुनने तो कुछ ही बच्चों का है, होना तो कुछ ही बच्चों का है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव की तरफ ज्यादा चले जाओ,
तो मेरे स्टूडेंट हो और इतना अच्छा तरीके से मैंने आप चीज़ों को बताया है, आपको इतने तरीके से आप लोगों को मैथ सिखाई है और बाकी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। किसी का कोर्स 80% हुआ है, किसी का 100 क्वेश्चन का कोर्स हुआ है, किसी का 60 क्वेश्चन का भी कोर्स हुआ है, तब भी एग्जाम निकलता है भाई। तो ध्यान रखिए, इस टाइम पे कुछ नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है बस, और रिवाइज करते भी पेन हाथ में रखना है, ये सिर्फ कॉपी पलटते रहो, कुछ नया नहीं करना। चैप्टर छूटे हैं 5-6 मान लो, एज्यूम करते हैं किसी के, तो छूटे हैं तो क्या हो गया, छोड़ दिए। लेकिन जो कर रखा है उसी को मजबूत और करना है, कॉपी रिवाइज करके दिमाग में ताकि पक जाए। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्रेशर ना डालिए इस टाइम पे, बच्चे बहुत वेल मैच्योर्ड है, उनको पता है आज की डेट में सक्सेस बहुत जरूरी है, मेहनत करेंगे उनको भी पता है, नहीं तो बाद में धक्के ही खाने हैं। एग्जाम तो उनको भी पता है निकालना है, और मेरा ये मानना है डिफेंस एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। मैंने इतने सारे लाखों बच्चों को पढ़ाया है, सबसे ज़्यादा जो मुझे वाई है अब तक, वो डिफेंस के बच्चों को पढ़ा के ही आई है सबसे ज़्यादा। उनके अंदर जो डेडिकेशन देखी है, उनके अंदर जो मैंने पॉजिटिवनेस देखी है, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी देखी है, बहुत ज़्यादा। तो आप एंड में ऐसा मत करो यार, ये मैसेज जो तुम भेज रहे हो इसका मतलब यू आर अनाउंसिंग दैट योर पेपर इज गोइंग टू बी बैड, समझ रहे हैं? और कुछ बातों का ध्यान रखिए, कुछ बच्चे इस टाइम पे जबरदस्ती सोने का प्रयास कर रहे हैं कि इस टाइम पे जबरदस्ती नींद पूरी ले लेंगे रात के टाइम ताकि जल्दी सुबह उठ पाए। आप जल्दी सोने का प्रयास करिए, ज्यादा देर तक मत जागिए, लेकिन अपने नेचुरल जो आपका रूटीन है उसको फॉलो करिए। सुबह जल्दी उठना है तो बेटर है, मना नहीं है, लेकिन नेचुरल रूटीन को इस तरह से एकदम से चेंज करना भी मुश्किल है ना। अपनी नींद पूरी लीजिए, वो जरूरी है, और अच्छा खाइए, हेल्थ पे ध्यान रखना है। इस टाइम पे बच्चे एंड में आके बीमार हो जाते हैं, किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, किसी को कुछ हो गया, किसी के पेट में दर्द हो गई, किसी को उल्टी आ रही है, जस्ट बिकॉज हेल्थी खाना ना खा के बाहर से कुछ भी खा लिया। इस टाइम पे भाई इतने टाइम की मेहनत खराब हो जाएगी, मूड खराब हो जाएगा, दिमाग की दही हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। और जितना आता है उसी को रिवाइज करिए बढ़िया से, बहुत ईजिली एग्जाम निकाला जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, 11th 12th का कोई बच्चा डायरेक्ट बी एनडी के पेपर देने चाहता है तब भी वो 40 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। 40 क्वेश्चन का मतलब 100 नंबर होते हैं, इतना टफ पेपर नहीं आता है। पेपर के अंदर सबसे पहले 2-4 मिनट लगा के उन क्वेश्चंस को छांटिए जो आपके फेवरेट चैप्टर है, उन्हीं को करिए, आपका देखना पहला एक घंटा कितना बढ़िया जाता है। और अपने आप को बोलना है आई कैन डू इट, मिलके तैयारी करिए दोस्त, है ना, मिलके तैयारी करिए ना, तो भाई वी कैन डू इट। और किसी भी चीज की दिक्कत है मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, वट एवर यू नीड आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है? डोंट बी वरीड, डोंट टेक एनी प्रेशर, डोंट टॉक नेगेटिव, नेगेटिव बातें नहीं करनी है इस टाइम पे, तुम्हें आता है यार, यू कैन डू इट, ईजिली यू कैन डू इट, देख रहे हो है? इतना सा, इतना सा है, इतना सा। तो ये 3-4 दिन एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करके अपने समय को व्यस्त खराब मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए, और जो कर रखा है उस कॉपी को रिवाइज करके अपने दिमाग में चीज़ों को पकाइए, फॉर्मूला रिवाइज करिए। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रेशर ना डालिए और अच्छा सोचिए, ठीक है जी? तो एग्ज़ाम के बाद कॉल आ जाना चाहिए, स्माइलिंग फेस के साथ जाना है, रोते हुए नहीं जाना है, ठीक है? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, ठीक है बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतनी सी बात करने आया था। बहुत सारे मैसेजेस थे बच्चों के, और उसमें से कुछ मैसेज ऐसे थे कि बच्चा ऐसा फील करा रहा है कि वो सुसाइड ही कर लेगा, हैं? अरे ऐसा भी क्या हो गया? तो आई थॉट कि एक बार मैं बता दूं बच्चों को कि भाई दिस इज़ नॉट योर लास्ट एग्ज़ाम, रिमेंबर दिस। अभी तो इस एग्जाम के बाद जब आप वहां जाओगे खड़कवासला, वहां पे भी बहुत एग्जाम देने हैं, बहुत एग्जाम देने हैं बेटा लाइफ में, अभी ना जिंदगी में बहुत एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, वैसे ही बहुत होते हैं। ऐसे घबराओगे तो फिर अगले वाले कैसे दोगे यार, है ना? तो बेटा फोड़ देने का है पेपर को, ठीक है ना? जितना आता है उतना करना है, गेस भी नहीं करना,
गेस्ट जो करेगा उसका एग्जाम होने के चांसेस ना के बराबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई होगी तो लाइक जरूर ठोकेंगे और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।